हेलो, नमस्कार साथियों एंड गुड मॉर्निंग सभी को। मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद पहले तो मैं आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा, इसके बाद नोट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप जो आपके डाउट्स हैं वो बता देते हैं, क्योंकि काफी ऐसे साथी होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते उन चीजों में, तो जो उनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं सबसे पहले देना चाहूंगा। तो अभी आप सुन लीजिए, एक क्वेश्चन ये आ रहा है बार बार एज मैटर, एज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या एज बढ़ेगी, या क्योंकि काफी ऐसे साथी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। हालांकि बोर्ड कि काफ़ी गलती है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद तो वैकेंसीज आती हैं और एक दो चांस में ही एक कैंडिडेट की एज ओवर हो जाती है। तो साथियों, एज मैटर में अभी कुछ है नहीं, एज बढ़ने के बिल्कुल अभी चांसेस नहीं दिख रहे। मैं आपको बताऊं, हमने अपने लेवल से पूरी कोशिश करी, अशोक अग्रवाल सर से भी बात करी, तो एज का जो मैटर है वो तो आप हटा ही दीजिए, एज का नहीं लग रहा कि एज बढ़ जाएगी। और इसके लिए मैं काफ़ी मुझे दुख भी हो रहा है और बढ़नी चाहिए। हालांकि अशोक अग्रवाल सर ने यह बोला है कि आपको जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास जाइए और अपनी रिप्रेजेंटेशन देते रहिए, हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि अदर स्टेट्स में जो एज है वो काफी ज्यादा है, लेकिन दिल्ली में अगर बात की जाए काफी टाइम के बाद वैकेंसीज और फिर एज बहुत ही कम है। इसके बाद बीएड इन पीआरटी, जो पीआरटी में बीएड को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये क्वेश्चन अभी आ रहा है। तो साथियों, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साफ है कि जो बीएड है वो पीआरटी में अभी नहीं होगा, जो पीआरटी की वैकेंसीज होंगी वो पीआरटी के लिए ही होंगी अभी के अकॉर्डिंग। आगे क्या हो जाता है वो पता नहीं, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग यही है। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो क्या वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन वैकेंसीज में लागू हो गई? तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इन वैकेंसीज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है। और साथियों, ये अच्छी बात ये भी है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि इन वैकेंसीज में क्या होता है, आपको ओनली टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है और इसके बाद आपको जॉब मिल जाती है अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई इंटरव्यू है ना कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको ओनली टेस्ट क्वालिफाई करके ही सीधा जॉब मिल जाती है। तो आप इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि इतना अच्छा चांस मिलता नहीं है बार बार, तो इसमें आप लग जाइए। इसके बाद नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो भी साथ इंटरेस्टेड है, सभी को नहीं, सीटेट क्लियर बट डिग्री डिप्लोमा है जो वो क्लियर नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा मेरे पास बहुत बार कि कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना सीटेट तो क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इनका उनका जो टीचिंग डिप्लोमा है, टीचिंग डिग्री है, वो क्लियर नहीं है, या तो फाइनल ईयर में है। तो साथियों, ऐसे सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि डिग्री और डिप्लोमा क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका डिग्री और डिप्लोमा क्लियर नहीं होगा तब तक आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो आपकी जो डिग्री डिप्लोमा ये क्लियर होने चाहिए, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आपने एग्जाम दे दिया रिजल्ट भी नहीं आया तब भी आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें जो भी मार्क्स हैं वो पहले आपको फिल करने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, आपको एग्जाम में बैठने दिया जाता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके मार्क्स इतने नहीं होते जो मांगे गए हैं, तो यही है, इसमें सबसे पहले ही आपके क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद आपको नोट्स के बारे में अब मैं बताना चाहता हूं, जिन साथियों ने ये न्यूज सुन ली है तो वो आप वीडियो को स्किप करके आगे अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि जिनको नोट्स के बारे में सुनना है वो उनको मैं बता देता हूं। साथियों, नोट्स के लिए मैंने आपको बताया था, अब आपको इंग्लिश मीडियम नोट्स भी मिलेंगे और वैकेंसीज का क्लियर हो चुका है कि वैकेंसीज बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। जो इंग्लिश मीडियम नोट्स है वो भी आपको मिलेंगे, और जो अभी ये नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, जीके, साइको, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ईवीएस, साइंस, इन सभी की आपको पीडीएफ मिलेगी, और प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं वो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और इसके बाद आपको आपके क्विज होंगे और मॉक टेस्ट होंगे, मंथ में 4 मॉक टेस्ट होंगे, और जो हमारा अब मॉक टेस्ट है वो 1-2 दिन के बाद होने वाला है। और इसके बाद इन नोट्स में मैं
ये बता देता हूँ कि इतने कम पैसे में आपको इतनी अच्छी चीज कोई नहीं दे सकता, और हमारी जो टीम है वो आपके लिए वर्क कर रही है। एक और मेंबर आया हमारी टीम में जो इंग्लिश मीडियम नोट्स पे भी वर्क कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की पहले प्रॉब्लम थी कि इंग्लिश मीडियम नोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अब वो इंग्लिश मीडियम में भी वर्क हो रहा है। और इसमें हमने जो प्राइस रखा है तो वो बहुत ही नॉर्मल रखा है, क्योंकि और वो प्राइस इसलिए कि देखो बहुत सारे हमारे पास भी टीम में मेंबर्स हैं, उनको भी चार्ज चाहिए, तो हमने 400 रुपए रखा है 3 महीने के लिए। हालांकि पहले कम था, लेकिन थोड़ा अब इंक्रीमेंट किया गया है इसमें, तो ये इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 133 रुपए मंथ के हिसाब से आपको पड़ जाता है। और अब क्या है कि आप ये 400-500 रुपए मत देखिए, आप देखिए कि आपको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए, जो भी कोई सॉल्यूशन होगा उसका किया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पैसे की वजह से कोई भी हमारा साथी रह जाए कि वो पढ़ नहीं पाए। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो इतने पैसे नहीं दे सकते, तो मुझे मैसेज कर लीजिए। और जिसको नोट्स चाहिए, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, और उसके बाद फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यही अपडेट थी आप लोगों के लिए, और आप नोट्स देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पहले नोट्स देखने, तो मैं आपको कुछ नोट्स पहले दिखा दूंगा, आप आइए मैसेज करिए, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये जो नोट्स हैं अभी 21 तक आपको मिलेंगे, उसके बाद हो सकता है आपकी फीस बढ़ जाए, तो 21 तक आपको नोट्स मिलेंगे, तो आप आज ही मैसेज कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।